हेलो एवरीवन, आज मैंने आप लोगों का सामने एक ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसको एंड तक देखते रहिए। ये वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, अपना हो, अपना पर्सनल टू व्हीलर हो, अपना फादर का नाम से हो, स्कूटी हो या बाइक हो या बुलेट हो, कैसे पार्सल करके लेके जाएंगे, ये हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाला है। थोड़ा अच्छा से देखिए, वीडियो शुरू करता हूँ। बहुत आदमी का मन में लगता है ये कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे पैकिंग होता है, क्या कितना एक्सपेंस इसके लिए लगता है, ऐसा बहुत आदमी का मन में थोड़ा डर लगता है। तो कोई डरने का बात नहीं है, कोई टेंशन लेने का कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत आसानी है, बहुत सिंपल तरीका से मैं आप लोगों का आज इसको बारे में समझाता हूँ। आप लोग अभी जो देख रहा है ये मेरा खुद की बुलेट है, ये मैंने केरला से उड़ीसा के लिए पार्सल किया था। ठीक है, देखते रहिए, मैं आप लोगों को अभी एक एक चीज़ समझा देता हूँ। दो तरीका से आप लोगों का गाड़ी लेके जा सकता है, एक पार्सल थ्रू, एक लगेज थ्रू लेके जा सकता है। लगेज थ्रू लेके जाने के लिए आरसी ओनर भी साथ में जाना पड़ता है। लगेज थ्रू टू व्हीलर साथ में लेके जाने के लिए आरसी ओनर उसी ट्रेन में सफ़र करना ज़रूरी है, इसका बिना आपको परमिशन नहीं देगा, आपको पार्सल भेजने के लिए बोल देगा। पार्सल के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो टू व्हीलर पार्सल ऑफिस के सामने लेके आने से पहले ये सब दो तीन बात आपका माइंड में रखना ज़रूरी है। एक पेट्रोल टैंक के अंदर एक बूंद भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए, ये इसलिए कि ट्रेन का सेफ्टी प्रॉब्लम्स रहता है, उसी में पैसेंजर भी सफ़र करता है, इसलिए सारे पेट्रोल खाली करना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग को जो पार्सल ऑफिस तक कितना पेट्रोल चाहिए उसी हिसाब से आप लोग पेट्रोल भर के लेके आइए। अभी उसमें पेट्रोल बचा हुआ है तो उसको फिर खाली करना पड़ता है, वो उसी के लिए आदमी रहता है उधर, उसको बोलने से वो लोग जितना वो साफ करके खाली करके बोतल में डाल कर दे देगा। बाकी होने से पेट्रोल टैंक का अंदर पूरा क्लीन करना पड़ता है। कुछ गाड़ियाँ ऐसा है, ये बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट, कुछ गाड़ी और स्कूटी में कुछ गाड़ियाँ ऐसा है कि अंदर पूरा क्लीन करने के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाहर से हम लोग उसका वर्कशॉप से आदमी को बुलाना पड़ता है, उसके बाद उसको खोलना पड़ता है पेट्रोल टैंक, उसके बाद ये सब खाली करना पड़ता है पेट्रोल, उसके बाद साफ़ करके, साफ की मतलब ये है कि उसका अंदर एकदम बिल्कुल पेट्रोल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उसको पार्सल ऑफिसर को पेट्रोल टैंक दिखाना पड़ता है। पार्सल ऑफिसर उसको बढ़िया से चेक करेगा, चेक करने के बाद वो कंफर्म करेगा कि उसमें कुछ भी पेट्रोल नहीं है, तो उसके बाद वो दो घंटे के लिए उसको ढक्कन निकाल के रखने के लिए बोल देता है, उसके बाद आप लोगों को पैकिंग के लिए अनुमति दिया जाएगा। दो घंटा इंतज़ार करने के लिए इसलिए बोलता है कि जो निकाला हुआ पेट्रोल जो काली है वो सबको जानता है काली है, लेकिन उसमें और कुछ बचा है तो उसको ऊपर का ढक्कन खोल कर रखने के लिए बोलता है, जो पेट्रोल टैंक का जो भी हो वो हवा में निकल जाएगा, इसलिए वो दो घंटा के लिए इंतज़ार करने के लिए बोल देता है। अभी जो स्क्रीन में शो कर रहा है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपका हाथ में रखना ज़रूरी है। पार्सल ऑफिस से जो दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म को भर के पार्सल ऑफिसर को देना है, पार्सल ऑफिसर बताएगा आपको कितना पैसा लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब हिसाब किताब क्लियर करने के बाद आपको पैकिंग के लिए अनुमति दिया जाएगा। और ये सब काम के लिए आपको लगभग 2.5 और 3 घंटा कम से कम लगेगा, और उसी हिसाब से आप लोग पार्सल ऑफिस जाना पड़ता है, और आपको हेल्प करने के लिए जो पार्सल ऑफिस के सामने आदमी मिल जाता है, और पैकिंग के लिए 500 रुपया
वो लोग लेता है और बढ़िया से पैकिंग करके देता है, और ये सब आपको बता देगा कैसे फिल करना है फॉर्म वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। वो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है ये सब। पैकिंग आपको खुद को भी कर सकता है, और हर जगह हर हिसाब किताब है। 300 में भी करता है, 400 में भी करता है, और 500 में भी करता है। और आपका जो टू व्हीलर रिसीव करने के लिए आपका जो पार्सल ऑफिस से जो दिया गया पर्ची के साथ एक आधार कार्ड का कॉपी रखना ज़रूरी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।